हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहान। कोऑपरेटिव बैंक के लिए सेकंड मॉक होगा। जिन्होंने पहले के मॉक टेस्ट अटेंड नहीं किए हैं या लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट और लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जितने भी मॉक टेस्ट आपको आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं, वो सभी एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिन्होंने IBPS प्रोविजनल ऑफिसर्स या फिर क्लर्क जैसे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं और आज गवर्नमेंट पोस्टेड पर हैं। उन सभी का टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सभी आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, उनके लिए आपने ज़रूर लाइक करना है। और कोऑपरेटिव बैंक के लिए फुल क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आपने क्या करना है, ये HPG की आपकी टीम का नंबर, तो यहाँ पर आपने व्हाट्सएप करके पूरी की पूरी जानकारी आपने प्राप्त करनी है। हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजनिंग और क्वांट, ये और इंग्लिश, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो सभी कर लेंगे फ्रेंड्स। जो सभी कर लेंगे का मतलब ये है कि अगर 45 मार्क्स की अगर आपको क्वांट और रीजनिंग देखने को मिलता है, तो 40 से ऊपर सभी स्टूडेंट्स हासिल कर लेंगे। लेकिन जो आगे का GK सेक्शंस जैसे कि आपके लिए मेंशनड यहाँ पर किया गया है, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस मॉक टेस्ट में हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो लाइक जरूर करना है। जो पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर HPGK के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हाईलाइटेड किए हुए हैं, आंसर सामने मेंशनड है, लेकिन आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको हाईलाइटेड नहीं मिलेंगे, तब आप मॉक टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी HPGK के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चंस क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। फ्रेंड्स, 2011 की सेंसस ड्यूटी अच्छे से पढ़ के जाना, वहाँ से आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। हमीरपुर इज द राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सी झील जिला मंडी में स्थित है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूँ, मणिमहेश दाल या फिर सूरज ताल कुमारवा, इसका सही आंसर क्या होगा, कुमारवा, ठीक है, मंडी जिले में स्थित है, तो इसमें सही आंसर कुमारवा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस धार्मिक ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसे गैर आर्य जनजातियों को आर्यों के आगमन से पहले हिमाचल प्रदेश में बसाया गया था। यहाँ पर सबसे ओल्ड धर्म ग्रंथ की बात की गई है, तो जैसे कि आपको क्लियर है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसे जितनी भी आर्य जनजातियाँ थी, वो आर्यों से पहले हिमाचल प्रदेश में उनको बसाया गया था, तो धर्म ग्रंथ की बात की गई है, तो ऋग्वेद आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1009 ईस्वी में नागरकोट यानी कि ओल्ड कांगड़ा सिटी किसने लूटा था। मोहम्मद गजनबी, आपको क्लियर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात की गई है कि गोरखाओं के जाने का और अंग्रेजों के आने का कौन सी संधि बताती है। ट्रीटी ऑफ सगोली, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का वर्तमान गुर्जर निम्नलिखित में से किसके वंशज हैं। आपने याद रखना है, हुन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। HPGK जो होगा वो आपको थोड़ा सा डीपली और मॉडरेट लेवल का देखने को मिल सकता है, लेकिन HPGK के क्वेश्चन की वेटेज की बात करूँ तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन मॉडरेट रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश में मौजूद नहीं है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, स्वांगला, कंपा, मीना, जाट, बाकी तो सभी है, लेकिन मीना कोई भी जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस मंदिर का कारदार एक ठाकुर है और पुजारी एक लामा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिलोकीनाथ टेम्पल, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि त्रिलोकीनाथ टेम्पल कहाँ पर है। थोड़ा सा फास्ट में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंस है वो आप पहचानिए, और फ्रेंड्स टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है। हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरी के लिए मनु का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपके सामने ऑप्शंस है, राइट आंसर्स हाईलाइटेड है, मनाली इज द राइट आंसर्स। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इसकी PDF फाइल आपको कहाँ पर मिलेगी वीडियो के बीच में आपको मैं बताऊँगा। चंबा शहर में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने किया था। वेरी वेरी सिंपल्स, साहिल वर्मन। नेक्स्ट है, कीमठ कहाँ पे है, कीमठ कहाँ पे है, इंस्पिति, क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शिमला अतीत और वर्तमान यानी कि पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक कौन है, एडवर्ड जे बक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में फुलेच त्यौहार मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट एंड कल्चर अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है,
किन्नौर इज़ द राइट आंसर, और जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उनको जरूर एनालाइज करना अपने कोऑपरेटिव बैंक के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश सेशंस हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपने इन क्वेश्चंस के माध्यम से पहचानना है कि आपकी इंग्लिश कैसी है, क्योंकि बचपन से इंग्लिश रीड करते आ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, कहीं से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कहीं से भी आप सीख सकते हैं इंग्लिश, तो ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यू कैन मिक्स इट विद सम शुगर एंड ईट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने ही मुझे ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसे थोड़ी चीनी के साथ मिलाकर खा सकते हैं, एनी शुगर, इन सम शुगर, इन टू सम शुगर, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन टू सम शुगर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन थ्रू वाइबल अल्टरनेटिव एग्जिस्ट, देयर यूज इज या टू कैच ऑन इन टू अ मेजर वे। यहाँ पर क्या बात हुई, विकल्प आपके सामने मौजूद है, फिर भी उनका प्रयोग एक मेजर वे से पकड़ना है या करना है, ठीक है। इन अ मेजर वे, अंडर अ मेजर वे, अप टू अ मेजर वे, नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से सोचिए, मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ सोचने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को निकालिए, अपनी इंग्लिश देखिए, क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, कहीं से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपको मैं यहाँ पर जो इंग्लिश करवाऊंगा वही आपको सेम टू सेम आ जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश तो वर्ल्ड वाइड है, आप पकड़िए इन क्वेश्चंस को, सही आंसर क्या होगा, इन अ मेजर वे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म वॉज बिगनिंग। फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा, हम तब भी कतार में खड़े थे जब फिल्म शुरू हो रही थी, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। क्या बात हुई यहाँ पर, हम तब भी कतार में लाइन में खड़े थे जब फिल्म शुरू हो रही थी, फिल्म बिगेंस, फिल्म एट बिगन, फिल्म बिगेन, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फिल्म बिगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ही मेक्स फ्रेंड्स विद ऑल काइंड ऑफ पीपल, यानी कि वह हर तरह के लोगों से दोस्ती करता है। ही मेक्स फ्रेंड्स विद ऑल काइंड ऑफ पीपल, द राइट आंसर इज ऑप्शन आपके सामने है, मेक्स फ्रेंडशिप, मेक्स फ्रेंड्स, मेड फ्रेंडशिप, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेड फ्रेंडशिप, ठीक है। वह हर तरह के लोगों से दोस्ती करता है, तो इसका सही आंसर मेड फ्रेंडशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑलरेडी ट्वाइस हैव रीड दिस बुक, हैंस आई डोंट नीड टू रीड इट अगेन। मतलब क्या हुआ, मैंने पहले ही दो बार इस पुस्तक को पढ़ा है, लेकिन मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है, जो भी आप नीड नहीं है, ठीक है। आई ट्वाइस हैव ऑलरेडी रीड दिस बुक, मैं दो बार इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी रीड दिस बुक ट्वाइस, मैं पहले भी इस पुस्तक को दो बार पढ़ चुका हूँ। आई हैव ट्वाइस ऑलरेडी रीड दिस बुक, मैंने इस पुस्तक को दो बार पढ़ा है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। जल्दी से सोचिए, मैंने थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट भी कर दिया है आपकी सहूलियत के लिए। इसका सही आंसर, आई हैव ऑलरेडी रीड दिस बुक ट्वाइस, यानी कि मैं पहले भी इस पुस्तक को दो बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हमने यहाँ पर क्या बताना है, अपोजिट इन द मीनिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एडिपोज क्या होता है। फ्रेंड्स एडिपोज होता है बसा या फिर फैटी, बसायुक्त, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। एडिपोज का मतलब क्लियर। कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ चर्बीयुक्त, ठीक है। ग्लूटनस क्या होता है, चिपचिपा, थिन, पतला। ओलियाजिनस का मतलब क्या होता है, चिकना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थिन, यानी कि पतला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉय, प्लॉय का मतलब क्या होता है, कोई चाल, अभियान, इसको हम कह सकते हैं। एंट्रेंस का मतलब प्रवेश द्वार, जैसे कि आपको क्लियर है। कंपोजर, डिवाइस, इन्वेस्टिगेशंस, इसका सही आंसर क्या होगा, डिवाइस, यानी कि यंत्र, ठीक है। इसका सही आंसर प्लॉय का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेज, ठीक है। एडेज का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस, आपको क्लियर ही होगा, कहावत, ठीक है, कहते भी हैं एडेज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, मोटो, हेरांग, प्रोवर्ब, हेरेसी। अब जल्दी से सोचिए क्या होगा, प्रोवर्ब, अगर आपने सोचा तो वेल डन। प्रोवर्ब यानी कि कहावत, लोकोक्ति। मोटो आपका हो गया सिद्धांत, ठीक है। हेरांग आपका होता है भाषण या फिर लंबी लंबी चौड़ी बातें करना, हेरांग का मतलब, ठीक है। और हेरेसी का मतलब क्या होता है, अभी माइंड से स्किप हो रहा है, गूगल कर लीजिए इसका, हेरेसी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है यहाँ पर? एक्सिलरेट क्या होता है? खुश करना, आनंदित करना। ऑप्शंस आपके सामने हैं, डिप्रेस का मतलब होता है उदास करना, एलर्ट का मतलब होता है गर्वित करना, ठीक है, एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? एम्बिगियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, साफ नहीं है, ठीक है। और सैरन का मतलब होता है निर्मल, ठीक है। तो इसका एक्सिलरेट का मतलब क्या होगा? डिप्रेस यानी कि उदास करना, ठीक है। एक्सिलरेट का मतलब क्या था? खुश करना, आनंदित करना। तो डिप्रेस इज द राइट आंसर, उदास करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंक्लीमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? कि कठोर, बेदर्द, ठीक है। तो स्टॉमी, फीवल, डिग्निफाइड, प्लीजेंट। स्टॉमी आपका तूफानी, फीवल कमज़ोर, डिग्निफाइड अभिमानी, जैसे कहते हैं ना अभिमानी है। प्लीजेंट आपका सुहावना, ठीक है, या सुहानी, ठीक है। तो प्लीजेंट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेकर दोस्तों अब हमने यहाँ पर क्या बताना है? चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द मीनिंग, ठीक है, हमने यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स पहला आपके सामने है, पहला है रैपेशियस। रैपेशियस क्या होता है फ्रेंड्स? रैपेशियस होता है लालची, ठीक है। वॉरलाइक क्या होता है? जंगी, लड़ाकू। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? बावरस यानी कि असभ्य, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और एवरीशियस का मतलब क्या होता है? लालची, लोभी, ठीक है। नोमैडिक, घुमंतू, खानाबदोश, घूमने वाला, ठीक है। तो रैपेशियस का सही मतलब क्या होगा? एवरीशियस, यानी कि ऑप्शंस नंबर सी, एवरीशियस, ठीक है, लालची, लोभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपका आर्डुअस। आर्डुअस क्या होता है? कठिन, कर्मठ। तो इसका सही आंसर डिफ़िकल्ट। लेकिन फैसाइल का मतलब क्या होता है? सरल, सुगम। इनकन्वीनियंट का मतलब क्या होता है? असुविधाजनक। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? नाजुक, ठीक है। तो मीनिंग्स भी आपको पता होने चाहिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा, अब यहाँ पर इंग्लिश की जब भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स की क्या आ सकता है, तो मैं आपको बताऊँ, एक बिल्कुल ही एक की है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, वो अगर आप न्यूज़पेपर डेली का यूज़ करते हैं, ठीक है, तब आपके वहाँ से निकलते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आज से 5 साल पुराने कौन से हाईलाइटेड वर्ड्स थे आपके सामने वो पूछ लिए जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी 5-6 महीनों में, 2-3 महीनों में जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स रहते हैं इंग्लिश में, वही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका इंग्लिश क्लियर होता है, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड जो भी, जितना भी देखिए फ्रेंड, जितना भी हम निकाल रहे हैं यहाँ पर वर्ड एक्सप्रेस का, हम कहाँ से निकाल रहे हैं? अगर हमें मीनिंग्स क्लियर है तो आसानी से निकल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इंग्लिश आपकी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहाँ पर थे? एक्सेक्रेबल, ठीक है। एक्सेक्रेबल क्या होता है फ्रेंड्स? घिनौना, ठीक है। एग्जॉस्टिव आपका एक हो गया संपूर्ण, विस्तृत, ठीक है, ठीक है। डेप्लोरेबल क्या होता है? डेप्लोरेबल का मतलब होता है खेदजनक, दुखद। एबोमिनेबल क्या होता है? एबोमिनेबल आपका होता है घिनौना, ठीक है, भद्दा, कंटिन्यूअस, निरंतर। तो इसका एक्सेक्रेबल का मतलब क्या होगा? एबोमिनेबल यानी कि घिनौना, भद्दा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपके निकल जाते हैं आंसर्स। विंडिकेट क्या होता है? साबित कर देना फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ चीज़ साबित कर देना। एक्सप्लेन, जस्टिफाई, स्पॉट, क्रिटिसाइज, क्या इसका सही आंसर होगा? जस्टिफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपके सामने एंटेसाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है एंटेसाइड का? टीज्ड, अट्रैक्टेड, टेम्प्टेड, रिवॉक्ड, क्या मतलब होता है इसका? इसका सही आंसर होता है टेम्प्टेड। टेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? लुभाना, प्रलोभन देना किस चीज़ का, ठीक है। और पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एंटीसाइड क्या होता है। एंटीसाइड का मतलब होता है मोहित, लुभाना, ठीक है। इज द राइट आंसर इज टेम्प्टेड, ठीक है। और टीज्ड किसी चीज़ को चिढ़ाना, ठीक है। अट्रैक्टेड आपका हो गया आकर्षित करना। रिवोक्ड आपका क्या होता है फ्रेंड्स? रिवोक्ड होता है ऑप्शन नंबर डी पे, देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता है डांटना, निंदा करना, ठीक है। तो इस तरह से आपके निकलते हैं। अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल निकालिए और जितने भी आगे आने वाले टाइम, जितने भी क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे और आपने सॉल्यूशंस अपनी कॉपी के ऊपर करना है और आंसर मैच करना है कि क्या आपका वो क्वेश्चन सही हुआ या नहीं। और सॉल्यूशंस, अगर आपका सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो व्हाट्सएप कर देना, हम आपको सॉल्यूशंस इन क्वेश्चंस का प्रोवाइड करवा देंगे फिर, ठीक है। तो ऑप्शंस क्वेश्चंस आपके सामने हैं, डिजिट आपके सामने है,
एम का मान वैल्यू हमने देखनी है। इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 6 का, इज़ द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग जल्दी से क्विक 2 सेकंड में निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दोज लेंथ इज 5 यूनिट मोर देन ट्वाइस इज विड्थ इज 75 स्क्वायर यूनिट्स, व्हाट इज द विड्थ। यानी कि ऑप्शन हिंदी में देख लीजिए आप, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, सॉल्यूशंस निकालिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। क्लियर, सॉल्यूशंस के लिए व्हाट्सएप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम विच अमाउंट टू रुपीज़ 364.80 यानी कि 364.80 रुपये, ठीक है, इन 8 ईयर्स एट 3.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सॉल्यूशंस के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 275, इसका सही आंसर होगा 285 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के विभिन्न ब्रांड हैं, दुकान की 50% बिक्री वालों की सामग्री से होती है, 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है, हर तिमाही में दुकान की बिक्री औसत इतनी हो जाती है, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकानों की औसत कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, सॉल्यूशंस देख लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पेंसिल में इसको सॉल्यूशंस करिए और मैं अभी आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 लाख रुपये। ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत इतना है, पहली और दूसरी संख्या का औसत इतना है और चौथी व पाँचवीं संख्या का औसत 508 है, निम्नलिखित में से तीसरी संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन सामने हैं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर 330, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगर आप साथ साथ में कॉपी पेंसिल में सॉल्यूशंस कर रहे हैं तब तो ठीक है इन क्वेश्चंस के, अगर सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, लेकिन पहले आप खुद भी सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को। ए और बी दो मिश्र धातु जिसमें क्रमशः लोहे और चांदी का 4:5, 7:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार किए गए हैं, यदि मिश्र धातु की बराबर मात्रा को मिलाकर मिश्र धातु सी बनाई जाती है, मिश्र धातु सी में चांदी का लोहे से अनुपात ज्ञात कीजिए, इंपॉर्टेंट। चलिए, निकालिए इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशंस के लिए व्हाट्सअप करिए, इसका सही आंसर होगा 35:37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पाइप ए एक टंकी को पाइप बी द्वारा टंकी को भरने में लगे समय का 3 गुना समय लेता है, यदि दोनों पाइप एक साथ चालू की जाएं यह 3 घंटे में खाली टंकी को भरती है, ए अकेले टंकी को कितने घंटे में भर सकती है, ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्यूशंस निकालिए, आंसर्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर होगा 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक धनराशि पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 240 रुपये और उसी धनराशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, दिए गए साधारण ब्याज में 70 रुपये कम है, धनराशि है, ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शंस है ये। ठीक है, चलिए सॉल्यूशंस निकालिए और आंसर अपना मैच करिए, आंसर्स अपना मैच आपने जरूर करना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 640। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक वस्तु का मूल्य इतना है, उसे विक्रेता 1224 रुपये में खरीदता है, पहले 2 छूटे, पहली यानी कि डिस्काउंट 10% और दूसरा जो डिस्काउंट है वो क्लियर नहीं है प्राप्त करता है, तो दूसरी जो डिस्काउंट है डिस्काउंट रेट क्या रहेगा। ठीक है, कॉपी पेंसिल लीजिए, सॉल्यूशंस करिए, अभी आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका सही आंसर 15%। ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए व्हाट्सएप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 10 छात्रों का औसत भार कितना है, 80 किलोग्राम है, यदि सबसे अधिक वजन और सबसे कम वजन को सम्मिलित नहीं किया जाता तो औसत 81 किलोग्राम हो जाता है, यदि सबसे अधिक भार 92 किलोग्राम है, सबसे कम भार है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 60 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, फ्रेंड्स अब यहाँ से जीके सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जीके ही एक ऐसा होगा जो ऊपर नीचे थोड़ा सा खेल बिगाड़ेगा, बाकी तो सभी कर लेंगे, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग सभी कर लेंगे जो दो दो तीन तीन सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, LIC के एग्ज़ाम या फिर आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रीजनिंग क्वांट फिंगर टिप्स के ऊपर रहती है। ठीक है, यानी कि एक एक दो दो सेकेंड में वो सोल्यूशंस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन
घुमाएगा कौन? जीके सेक्शंस। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अंडर अवर प्रोफेशनल तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर है। जैनों की द्वितीय सभा किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बल्लवी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? सही आंसर क्या होगा? थावर चंद गहलोत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर आंसर बताऊंगा, ऑप्शंस पूरे रीड नहीं करूंगा, नहीं तो टाइम और वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। किस वंश ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? इसका सही आंसर गुप्तास, ठीक है। हितोपदेश किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स हितोपदेश लिखा था विष्णु शर्मा ने। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि 1857 के मैक्सिमम जो HPPSC रहता है, शिमला बोर्ड रहता है, वो 1857 के आगे के ही क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने एलाइड जैसे एग्ज़ाम फिलअप किए हैं, HS जैसे किए हैं, तो आपको क्लियर है कि HPPSC एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस पूछता है। 1857 मेंशन उसने किया होता है, लेकिन क्वेश्चंस घुमाने के लिए वो पूछ भी आपसे पूछता ज़रूर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप स्किप ना करें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने कहाँ सर्वप्रथम भारत छोड़ो विचार को स्वीकार किया था? इसका सही आंसर वर्धा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन थे? हाँ, इसका सही आंसर होगा सर पी लॉरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मैच करना है रेड शर्ट मोमेंट, किसका था दोस्तों रेड शर्ट मोमेंट? इसका सही आंसर होगा रेड शर्ट मोमेंट था आपका अब्दुल गफ्फार खां का, ठीक है। और पूर्ण स्वराज किसका था? पूर्ण स्वराज था जवाहरलाल नेहरू का। बारडोली आंदोलन किसका था? बारडोली आंदोलन था आपका सरदार पटेल का। और डांडी किसका था? M.K. गांधी का, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या हैं? फ्रेंड्स अगर आपने अच्छे से रीड किया है पॉलिटी और प्रेसिडेंट के बारे में, अच्छे से आप जानते हैं जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की यहां पर बात की गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चलिए आप रीड भी कर सकते हैं, जल्दी से रीड करिए जल्दी से। और यहां पर इसका सही आंसर्स क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, वो एक व्यक्ति की सजा को निलंबन और प्रविलंबन कर सकता है, ठीक है। ही कैन ग्रांट पार्डन रिप्रीव्स एंड रिस्पाइट्स टू द पर्संस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 इज द राइट आंसर्स, ठीक। यहाँ पर ऑप्शंस और भी दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ की यहाँ पर बात की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स आपने मुझे क्या करना है, इसका सही आंसर्स कमेंट करना है, ठीक है। ये जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट की कौन कौन सी है, ऑप्शंस आप देख लीजिए। दुर्व्यवहार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जज दूसरे जजों की नियुक्ति कर सकता है, वो एक व्यक्ति की सजा को निलंबन और प्रविलंबन कर सकता है, लोक महत्व के प्रश्न के तथ्य और नियम पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो फ्रेंड्स आपने मुझे बताना है इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए करिए कमेंट करिए, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसका सही मालूम आंसर्स पता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल की बात की गई है। तो टोटल अगर आपने पता होगा आपको कि कौन कौन सी उसकी जुडिशियल पावर्स हैं तो कमेंट करिए, ठीक है। आपका कमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा और सभी कमेंट करना है, ठीक है, सभी ने कमेंट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है? फ्रेंड्स चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना बिल्कुल है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना बिल्कुल है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना बिल्कुल है, पुरुषों और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन, तो इस तरह का कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मूल कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये नहीं है, ठीक है। लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम भुगतान इक्विटी पूंजी क्या है? बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे।
लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम भुगतान इक्विटी पूंजी क्या है? 100 करोड़, 500 या फिर 10, 200 या फिर 1000? इज द राइट आंसर इज 100 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सबसे सिंपल है सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान किसी देश के विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई है लोन के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, और आपने ये देख लेने अच्छे से ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियन सिंधु को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? कौन सा है, मास्टर, रुपए, वीजा या माइस्ट्रो या फिर नॉन ऑफ दिस? इज द राइट आंसर इज क्या होगा, वीजा कार्ड। ठीक है, सिंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI कार्ड पे लॉन्च किया, ये किस तकनीक पर आधारित है? जल्दी से आपने बताना है, होस्ट कार्ड एमुलेशंस के ऊपर ये आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर इज। FATF का पूरा नाम क्या है? ठीक है, FATF का पूरा नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। फॉर मोर डिटेल, मोर क्वेश्चन, व्हाट्सएप करिए। निम्नलिखित में से किस परिषद ने एरोस्पेस और रक्षा उद्योग समूह की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन सामने है, इज द राइट आंसर इज UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है, एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के समूह की घोषणा की स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्ट ऑफ विष्णु पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स, हज़ारों बुक्स निकलती हैं। ठीक है, बहुत सारे राइटर्स होते हैं, लेकिन कौन सी हाईलाइटेड होती है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी एग्जाम में पूछी गई, जो आपके टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइटेड रही। ठीक है, वही आपके एग्जाम में बुक्स पूछी जाती है। द राइट आंसर इज अश्विन सिंघी। ठीक है, संघी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TRIFED इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? फ्रेंड्स, TRIFED, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश्ड कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी? 1970, 93, 87 या फिर 67? इज द राइट आंसर इज, आपने याद रखना है क्वेश्चन, 1987। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है? इंडिया इज द राइट आंसर इज। ठीक है, अब दोस्तों आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप आपने करना है किसी भी डिटेल्स, किसी भी क्वेश्चन, एनी हेल्प। ठीक है, व्हाट्सएप आप करिए, अंडर आवर प्रोफेशनल आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लाइक शेयर जरूर करना है, और नेक्स्ट लेक्चर्स तक आपने अच्छे से अपना रिस्पॉन्स देना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।